हेलो दोस्तों, कैसे हो। मैं हूं अश्विन और स्वागत है आप सबका हिंदी चेस वीडियोस में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बॉबी फिशर की एक खूबसूरत गेम देखने वाले हैं, जो कि उन्होंने फिलीपींस के इंटरनेशनल मास्टर रोडोल्फो टैन कोर्डोसो के सामने 1957 में खेली थी, जहां पे बॉबी फिशर के वाइट पीसेस थे। उन्होंने गेम की शुरुआत e4 से की एज यूजल, c5 सिसिलियन डिफेंस, नाइट f3 d6 d4 कैप्चर्स, नाइट कैप्चर्स, नाइट f6, नाइट c3 एंड a6। सो ये है नाइट ड्रॉप वेरिएशन, जहाँ पे बॉबी फिशर ने बिशप टू c4 खेला। बिशप c4 एंड बिशप टू g5, ये दो वेरिएशन में वाइट ब्लैक जो है वो e6 खेलता है, क्योंकि दोनों ही केस में d5 जो है उसको वाइट कंट्रोल करना चाहता है। बिशप टू g5 में इनडायरेक्टली होता है, क्योंकि अगर आप e5 खेलते हो तो वो नाइट पिन रहती है, तो d5 का कंट्रोल जो है वो थोड़ा लूज़ होता है। सो इसलिए बिशप c4 एंड बिशप टू g5 में मेन मूव यहाँ पे है e6, जो कि ब्लैक ने खेली। एंड नाउ कैसलिंग शॉट, बिशप e7, बिशप टू e3, नाउ कैसलिंग शॉट, बिशप टू b3। अब b5 को एंटिसिपेट कर रहे हैं। यहाँ पे नाइट टू c6 ब्लैक ने खेला, एंड नाउ f4। सो यहाँ पे बॉबी फिशर ने ऑलरेडी दोस्तों अटैक जो है स्टार्ट कर दिया है, एंड ब्लैक ने खेला नाइट टू a5। नॉर्मली लोग जो है इस बॉबी फिशर के स्पेशली किंग बिशप जो है उसको कैप्चर करना चाहते हैं, क्योंकि अगर आप बॉबी फिशर की गेम देखोगे दोस्तों, तो वो बिशप से जो है वो काफ़ी ज़बरदस्त खेलते हैं, एंड स्पेशली सिसिलियन डिफेंस के अगेन अगर उनका किंग का बिशप जो है रह जाता है, देन जो है ब्लैक को काफ़ी दिक्कत आती थी। सो यहाँ पे आप जो है बिशप को कैप्चर कर सकते हो, बट उसके लिए आपने जो है 3 मूव इन्वेस्ट की, जो कि कोई इतनी अच्छी बात नहीं है। और दूसरी ओर बॉबी फिशर जो है यहाँ पे जस्ट अपना अटैक जो है वो कंटिन्यू कर रहे हैं विथ क्वीन f3 एंड नाउ क्वीन टू c7, जबकि उधर दोस्तों क्वीन f3 के बाद काफ़ी ज़रूरी था कि आप h5 खेलो और वाइट का g4 स्टॉप करो। बट एनीवेज क्वीन f3 के बाद क्वीन टू c7 ब्लैक ने खेला, एंड नाउ g4 नाइट कैप्चर्स b3, ए कैप्चर्स b3, नाउ रुक टू b8, g5 नाइट पे अटैक है, नाइट टू d7 एंड नाउ f5। सो यहाँ पे दोस्तों ऑलरेडी जो है अटैक हमारा स्टार्ट हो चुका है। अगर आप कैप्चर करते हो तो जो है पोन कैप्चर्स, नाइट e5 में हम क्वीन h3 या तो क्वीन g3 जाएंगे, एंड देन पोन f6 आ रहा है। यहाँ पे नाइट e5 ब्लैक ने खेला, एंड नाउ क्वीन टू g3, नाउ यहाँ पे किंग टू h8 गेम में खेला गया, नाइट टू f3। और इस पोजीशन में दोस्तों ब्लैक के लिए ज़रूरी था कि ब्लैक जो है f3 वाली नाइट को कैप्चर ना करे, क्योंकि ब्लैक ने जब f3 वाली नाइट कैप्चर की, यहाँ पे रुक f3 जो है वो ऑलरेडी थर्ड रैंक पे लिफ्ट हो चुका है, जिसकी वजह से वाइट को जो है काफ़ी अच्छा यहाँ पे अटैक मिला। नाइट f3 के बाद यहाँ पे ज़रूरी था कि ब्लैक जो है सिर्फ अपना प्लान खेले, वो b5 खेल सकता है, और वाइट अब अगर जो है नाइट कैप्चर e5 करता है, देन d कैप्चर e5, और अब रुक f3 के लिए जाता है, बट देन बिशप टू b7, और से आप जो है क्वीन h4 खेलते हो, बट देन ओके पोन कैप्चर्स ऑन f5, क्योंकि क्वीन h4 के बाद थ्रेड थी f6 की। सो पोन कैप्चर्स f5, एंड अब अगर रुक f3 के लिए जाते हो तो यहाँ पे h6 जो है वो सफिशियंट है, क्योंकि आपका पोन ऑन g5 जो है वो पिन है, और दूसरी जो है यहाँ पे कोई प्रॉब्लम ब्लैक को अब फिलहाल के लिए नहीं है। बट गेम में क्या हुआ कि नाइट टू f3 के बाद ब्लैक ने नाइट कैप्चर्स f3 खेल दिया, जिसकी वजह से वाइट का रुक जो है ऑलरेडी थर्ड रैंक पे आ चुका है, सो ये अटैक में जो है पार्टिसिपेट कर सकता है। अब b5 गेम में खेला गया, एंड नाउ क्वीन h4 थ्रेट है यहाँ पे f6 की। सो पोन कैप्चर्स ऑन f5 गेम में खेला गया, जबकि क्वीन h4 के बाद से आप ट्राई करते हो बिशप टू b7, राइट। पर दोस्तों देन रुक टू h3 जो है यहाँ पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। पॉइंट ये है कि h6 के बाद एक्चुअली बॉबी फिशर खेल सकते हैं f6। सो देखिए रुक लिफ्ट का कमाल, जिसकी वजह से अब जो है यहाँ पे वाइट विन हो रहा है, राइट। अब बिशप को सेव करो ना करो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सीधा जो है g7 पे कैप्चर आ रहा है, देन क्वीन कैप्चर h6 गेम ओवर। और अगर आप जो है पोन से कैप्चर करते हो, देन क्वीन टेक्स h6 गेम ओवर, बिशप से कैप्चर करते हो, देन पोन कैप्चर्स बिशप, और उसके बाद गेम जो है जा रही है। सो क्वीन h4 के बाद पोन कैप्चर्स f5 खेलना फोर्स, एंड नाउ पोन कैप्चर्स ऑन f5, जबकि उधर कंप्यूटर सजेस्ट कर रहा है कि आप जो है एक्चुअली रुक h3 के लिए जा सकते हो, जिस केस में से h6, बट अब जो है बिशप टू d4 यहाँ पे काफ़ी डेडली है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे थ्रेट है अभी क्वीन कैप्चर होना h6, क्योंकि आपने पोन जो है उसको पिन किया है। इस पोजीशन में से आप जो है f6 खेलते हो, बट ये पोन को जो है फिर भी कैप्चर नहीं किया जा सकता। उसके बाद यहाँ पे वाइट खेल सकता है नाइट टू और d5, जो कि काफ़ी डेडली है। अगर आप जो है एफ पोन से कैप्चर करोगे तो क्वीन कैप्चर h6 विनिंग है, और एच पोन से कैप्चर नहीं किया जा सकता, वो इलीगल मूव है, क्योंकि वो पिन है, राइट। सो पोन कैप्चर्स ऑन f5 के बाद रुक h3 जो है यहाँ पे काफ़ी डेडली था, बट बॉबी फिशर ने यहाँ पे पोन कैप्चर्स ऑन f5 खेला, एंड नाउ क्वीन टू c6। आइडिया ये है कि आप रुक पे तो अटैक कर ही रहे हो, बट रुक h3 के बाद क्या होगा कि h6 आएगा, और बाद में जो है आपको सारे कॉम्बिनेशन खेलने का टाइम नहीं मिलेगा, क्योंकि ऐसे बिशप टू d4 देन हम f6 के लिए जा सकते हैं, और उसके बाद क्या होगा कि बिशप टू b7 आएगा, तो ब्लैक भी जो है वो अटैक कर रहा है, क्योंकि वाइट का लाइट स्क्वायर बिशप नहीं है और वो डायगोनल जो है काफ़ी वीक हो चुका है। सो क्वीन टू c6 के बाद रुक a2 f1 यहाँ पे बॉबी फिशर ने खेला, एंड नाउ बिशप टू b7,
नाउ बिशप टू d4 और ब्लैक ने अभी खेला b4 और इस पोजीशन में दोस्तों वीडियो को पॉज कीजिए और सोचिए कि बॉबी फिशर ने क्या खेला होगा। रेडी दोस्तों, यहाँ पे बॉबी फिशर ने खेला बिशप कैप्चर्स ऑन g7, जबकि कंप्यूटर सजेस्ट कर रहा है कि नाइट e2 जो है वो ज़्यादा सही मूव है। बट नाइट e2 में क्या होगा कि क्वीन टू e4 आ रहा है और बाद में जो है वहाँ पे अगर क्वीन एक्सचेंजेस हो गए तो फिर अटैक का जो है कोई इतना बढ़िया चांस नहीं रहता है। और दूसरी ओर दोस्तों यहाँ पे वो ये भी बता रहा है कि बिशप कैप्चर g7 जो है वो इतनी अच्छी मूव नहीं है। यहाँ पे ऑफकोर्स वाइट जो है वो लूज़ नहीं कर रहा है, बट ब्लैक जो है डिफेंस कर सकता है। पर दोस्तों कंप्यूटर जो डिफेंस करता है और ह्यूमन डिफेंस करता है उसमें जो है काफ़ी फ़र्क होता है। ह्यूमन के लिए इस तरह की पोजीशन को हैंडल करना जो है काफ़ी मुश्किल है। यहाँ पे किंग कैप्चर्स ऑन g7 ब्लैक ने खेला, एंड नाउ क्वीन टू h6 चेक, किंग h8, एंड नाउ g6। और इस पोजीशन में कंप्यूटर सजेस्ट कर रहा है कि अगर आपको अच्छा डिफेंस करना है तो आपको g6 पे कैप्चर करना चाहिए, एंड एफ कैप्चर g6 के बाद आपको रुक f7 खेलना चाहिए, आपको अपना रुक दे देना चाहिए। सो यहाँ पे डिफेंस पॉसिबल हो सकता है, क्योंकि जी कैप्चर्स ऑन f7 के बाद आप जो है रुक f8 के लिए जा सकते हो, एंड देन वाइट खेल सकता है क्वीन टू e6। और इस पोजीशन को कंप्यूटर तकरीबन इक्वल बता रहा है। दोस्तों अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पे जो है वो पोजीशन थोड़ी वीकी लग रही है ब्लैक की, क्योंकि क्वीन कैप्चर्स ऑन e7 की थ्रेट है, और साथ साथ आप कब तक जो है क्वीन एंड बिशप को रखोगे, क्योंकि अगर आपको बिशप सेव करना है से आप बिशप जो है उसको d8 पे सेव करते हो, देन फिर बाद में जो है वो वाइट की नाइट फ्री हो जाएगी, वाइट की नाइट जो है आगे चल के अटैक के लिए जा सकती है, राइट। सो डेफिनेटली यहाँ पे जो है वाइट को ज़्यादा इनिशिएटिव है, ना कि ब्लैक को। सो इस टाइप की पोजीशन जो है अगर हमें खेलनी है तो हम डेफिनेटली वाइट के पीसेज ज़्यादा प्रीफर करते हैं। सो g6 के बाद गेम में जो है एक्चुअली क्वीन टू c5 चेक दिया। सो दोस्तों यहाँ पे ब्लैक का आइडिया क्या है, ब्लैक जो है वो क्वीन टू g5 खेल के क्वीन एक्सचेंजेस करना चाहता है, क्योंकि से हम जो है जब भी इस पोजीशन में चेक को सेव करेंगे वो जो है पोन कैप्चर्स ऑन g6 खेलेंगे, एंड पोन कैप्चर्स ऑन g6 के बाद वो जो है क्वीन टू g5 खेलेंगे, जिस केस में हमें क्वीन एक्सचेंजेस करनी पड़ेगी और उनका किंग जो है वो रिलेटिवली सेफ रहेगा। बट यहाँ पे उन्होंने ये मिस कर दिया कि उसके बाद f5 जो है ओपन हो रही है, जहाँ पे वो वाइट के रुक की जो है वो बैटरी है। इस पोजीशन में रुक टू f2 बॉबी फिशर ने खेला, चेक को सेव किया। आप जो है किंग टू h1 के लिए नहीं जा सकते, अदरवाइज सिंपली उधर जो है बिशप कैप्चर्स ऑन f3 जो है पहले चेक आ जाएगा। सो क्वीन टू c5, रुक 1 टू f2, और फिलहाल के लिए कोई भी रुक को कैप्चर नहीं किया जा सकता, क्योंकि क्वीन कैप्चर h7 चेकमेट की थ्रेट है। ऑफकोर्स इस रुक को तो मारोगे तो आपकी क्वीन जा रही है, सो बिशप इंटू f3 पॉसिबल नहीं, अदरवाइज क्वीन इंटू h7 आ रहा है। सो एफ कैप्चर्स ऑन g6 गेम में खेला गया, एंड नाउ एफ कैप्चर्स ऑन g6 और अभी भी जो है चेकमेट की थ्रेट है। सो क्वीन टू g5 चेक, एंड आफ्टर क्वीन कैप्चर्स ऑन g5, बिशप कैप्चर्स ऑन g5, जस्ट रुक टेक्स ऑन f8 चेक, रुक टेक्स ऑन f8 चेक, रुक टेक्स ऑन f8, और यहाँ पे किंग टू g7 खेला गया। इस पोजीशन में बॉबी फिशर के पास जो है दो मूव है विन करने के लिए, वो रुक f7 चेक दे के जो है b7 बिशप को कैप्चर कर सकते हैं, बट उन्होंने खेला दोस्तों जी कैप्चर्स ऑन h7, और यहाँ पे ब्लैक ने रेजिग्नेशन दे दिया। पॉइंट ये है कि क्वीन बन रही है से आप जो है पोन को कैप्चर करते हो, देन रुक f7 चेक, और बाद में बिशप को हम कैप्चर कर सकते हैं, एंड c3 पे जब भी आप कैप्चर करो हम जो है पोन से रिकैप्चर कर सकते हैं, जिसमें बॉबी फिशर के पास जो है 4 पोन रहेंगे, जबकि ब्लैक के पास 2 पोन एंड बिशप ही रहेगा। सो 4 पोन एंड रुक वर्सेस 2 पोन एंड बिशप, डेफिनेटली वहाँ पे वाइट विनिंग था। सो इसीलिए फिलीपाइंस के इंटरनेशनल मास्टर ने इस पोजीशन में रेजिग्नेशन दे दिया। सो दोस्तों कैसी लगी आपको बॉबी फिशर की ये गेम और आज का वीडियो, आई होप मेरा वीडियो और ये गेम दोनों ही आपको काफ़ी पसंद आए होंगे। पसंद आया तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक दीजिए और अपनी कॉमेंट देना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद, जय हिंद, बाय बाय।